हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईशान। तो स्टूडेंट, आज ये मैं न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ मायोपिक आई पर। और इसमें मायोपिया पर ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ये न्यूमेरिकल आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ विद एक ट्रिक। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। अ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो इसमें फार पॉइंट दे रखा मायोपिक पर्सन के लिए 80। चलिए उसके बाद भी क्या दे रखा है इसमें, हमें जो है नेचर निकालना है और पावर निकालना है उस लेंस की जो मायोपिक आई को करेक्ट कर सके। तो यहाँ फार पॉइंट है तो हमें भी क्या लेना, आई का फार पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या होता है आई का, अगर मैं नॉर्मल आई की बात करूँ, इनफाइनाइट, ठीक है ना। नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो होता है हमारा क्या, इनफाइनाइट। तो इसमें हम करने के वाले हैं कि जी हमें यहाँ पर जो करना है वो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा यू इनफाइनाइट, और ये क्या हमारा वी। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है, कि ये जो लेना है ये निगेटिव लेना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हाइपरमेट्रोपिया वाली न्यूमेरिकल वाली, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो फॉर्मूला लगाते हैं बाय लेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंस यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन वी माइनस का वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, ठीक है। अब मेन बात यह है कि भैया वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है माइनस का 80, ठीक है ना। वी है माइनस का 80 और यू है हमारा इनफाइनाइट, ठीक है ना। प्लस का लिखो माइनस का लिखो, इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो वन अपॉन माइनस का 80 इक्वल टू वन अपॉन माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सीधा। इसके बाद ये क्या होगा, इन वन अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, ज़ीरो। तो माइनस का वन अपॉन 80 इक्वल टू वन अपॉन एफ, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सारे, माइनस का 80 सेंटीमीटर। माइनस का साइन है तो कौन सा लेंस यूज़ होगा, किसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है, कॉनकेव लेंस की। तो लेंस इज कॉनकेव लेंस, तो कौन सा लेंस यूज होगा हमारा, कॉनकेव लेंस। अगर हम यहाँ पर पावर की बात करें, पावर इज इक्वल टू वन अपॉन एफ होती है अगर एफ किस में है, मीटर में, और 100 अपॉन एफ होती है अगर एफ किस में है, सेंटीमीटर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि हमारी एफ किस में, सेंटीमीटर में। तो 100 अपॉन माइनस का 80, माइनस से माइनस, तो पावर हो गई हमारी, ये हो गई 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 माइनस का, आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पावर आ गई माइनस का 5 अपॉन 4 डायप्टर। तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट न्यूमेरिकल करेंगे, और जिससे आपको समझ आएगा पूरा। एक बात बस ध्यान रखना, ये फार पॉइंट जो होता है ये नॉर्मल आई का, उसे हम यू लेते हैं, ठीक है ना। और जो मायोपिक आई है, डिफेक्टिव आई का, उसे हम वी लेते हैं। वी हमेशा निगेटिव में लेते हैं और यू भी निगेटिव में लेते हैं। पर यहाँ पर अगर मैं निगेटिव लगा दूँ, जब भी आंसर क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला, ठीक है। तो इसलिए मैंने लगाया नहीं। तो सीधा एफ क्या हो गया, 80, और ये हमारी पावर निकल गई। तो ये हमारा कंप्लीट न्यूमेरिकल हो गया। अगर आपको पसंद आया न्यूमेरिकल तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाइपरमेट्रोपिया वाली वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर देख लिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।